हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। तो हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, मेकअप की, स्किन केयर की और डेली व्लॉग्स की। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी इयररिंग्स की कलेक्शंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इयररिंग की कलेक्शन से, और मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास गोल्डन और सिल्वर जो कलेक्शन में से इयररिंग में क्या क्या है। जो है अभी सिल्वर वर्सेस गोल्डन में से अपनी जो इयररिंग है उसकी कलेक्शन में से सिल्वर सबसे पहले उठाऊंगी, और मेरे फेवरेट जो है मैं वो जो है ये है, और इनको मैं दिखाऊंगी अभी। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल इयररिंग्स जो कि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं इन इयररिंग्स की बात करूँ तो ये इयररिंग्स जो हैं इनको ना एक्चुअली बंजारा इयररिंग्स कहते हैं। तो क्योंकि ये जो है ना बंजारे जो होते हैं ना, बंजारे सबको पता है बंजारे क्या होते हैं, जो कि खानाबर्दोशी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो हमेशा अपनी जगह जो है वो चेंज करते रहते हैं। वैसे ये मेरी कलेक्शन जो है मैंने अभी नए में मैं ख़रीद रही हूँ, जैसे जैसे मैं नई शॉपिंग करती रहूँगी इयररिंग्स की मैं डेफिनेटली आपको बताती रहूँगी। और ये जो है ये बहुत ही खूबसूरत से इयररिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, वाओ इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। कई कई बार मेरा दिल होता है कि यहाँ पर ना मैं इनको स्टड जो है यहाँ पर कुछ लगा दूँ ताकि ये थोड़े से और ब्यूटीफुल लगना शुरू हो जाए, बट कई बार मुझे लगता नहीं, ये इनकी खूबसूरती इसी में है। सो दीज आर दी बंजारा इयररिंग्स, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, सो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आपने मुझे कई वीडियोस में जो है आप पहने वो भी देखा होगा इसको। मेरी लास्ट वीडियो जो थी मैंने उसमें इसको पहना था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बार बार यही कह रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक्चुअल में मुझे ये बहुत सेकंड में आ गए। ये हमारे ये भी ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से जो है इयररिंग है। वैसे मैंने इनको अभी किसी भी वीडियो में जो है नहीं पहना है, पर मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगी मैं उनमें ज़रूर पहनूंगी। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, लोकल मार्केट होती है वहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी। वन आर दीज ब्यूटीफुल इयररिंग्स, वैसे ये मुझे गिफ्टेड हैं, ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हैं। एक्चुअली मैंने इसको जो है उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मैंने इसको कई वीडियोस में आपने देखा होगा पहने हुए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अगर आप देखें तो देखिए इसके स्टोन्स जो हैं पूरे कितने ही खूबसूरत हैं, बीच में एक बिग सा स्टोन लगा हुआ है, वेरी नाइस। जो है ये मैं अपनी जो है कलेक्शन दिखा रही हूँ गोल्डन में से, क्योंकि सिल्वर की हमारी दो तीन कलेक्शन हो गई, तो मैंने सोचा कि अभी जो है गोल्डन की दिखा दी जाए। तो ये गोल्डन जो है ये भी बहुत प्यारे हैं, ये वैसे मैंने यहाँ चंडीगढ़ जो है मॉल है यहाँ अलांटे से नहीं लिए हैं, ये मैंने लिए हुए हैं वीर पंजाब मॉल है, वीर पंजाब मॉल से मैंने ये वाले इयररिंग्स जो हैं लिए हैं। कई बार ना इयररिंग्स की जो है बनावट ही बहुत खूबसूरत होती है, तो इनको मैं जो है जैसे हमारी जो है लहंगा होता है तो घाघरा, जो घाघरा इयररिंग्स है मैं इनका नाम जो है मैंने घाघरा इयररिंग्स। नाउ ये है मेरे रेनबो इयररिंग्स, ये जो है ये भी हमने मॉल से लिए हैं, ये मॉल से एक्चुअली वहाँ पे फेयर लगा हुआ था और एग्जिबिशन जो थी वहाँ पे लोगों ने लगाई हुई थी, तो वहाँ एग्जिबिशन में जो है मिल रहे थे ये इयररिंग्स, तो मैंने वहाँ से लिए हैं। इट्स अ वेरी लाइट वेटेड और बहुत ही खूबसूरत, देखिए रेनबो इयररिंग है ये मेरे, ये रेनबो आप होली कलर इयररिंग्स भी बोल सकते हैं या फिर रेनबो इयररिंग्स बोल सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है। छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो हैं ये स्टड्स भी लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ बीड्स देखें ना तो इनके कलर, हर एक कलर है इसमें, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, सब रेड है। तो आप किसी भी ड्रेस, और अगर कोई कलर बच जाता है जैसे ये हो गया, इसको हम लोग मोस्टली हम लोग कोका कोला शेड बोल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा पर्पलिश शेड दे रहा है, तो ये जो है हर एक कलर है इसमें, आप
किसी भी सूट के साथ। ये मेरे रेड कलर के इयररिंग्स हैं, इनको वैसे मैंने अभी पहना नहीं है क्योंकि मैंने इनको अभी जो है लिया है, ये भी मैंने मॉल से लिए हैं, यानी कि वीर पंजाब मॉल से मैंने ये इयररिंग्स लिए हैं। और तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वाले इयररिंग्स जो है मेरे सबसे ज्यादा अच्छे लगे। सो नाउ द नेक्स्ट, इनको भी शायद आपने मेरे किसी वीडियो में पहने हुए मुझे देखा होगा। ये बहुत ही लाइट वेटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। इनको मैंने जो है मीशो से लिया था। और ये सन इयररिंग्स, नाउ टर्न फॉर द नेक्स्ट वन, दीज आर माय, आप देख सकते हैं इसमें शायद मैं भी दिखाई दूं आपको। सो दीज आर माय, ये मेरा मिरर इयररिंग है तो इसको मैं मिरर इयररिंग्स ही बोलती हूँ। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, और इसमें ना ये इसका कलर ही ऐसा है, मतलब अगर आप कहें कि ये कलर जो है इसका निकल गया, नहीं, इसका कलर ना जैसे कॉपर कलर होता है, लिटल बहुत ही खूबसूरत, और पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दीज आर दी लॉन्ग वन, मैं ऐसे करके दिखाऊंगी, लॉन्ग वन ज्वेलरी है ये मेरी। ये मैंने अपने जॉब में जब हमारी क्रिसमस पार्टी जो थी, क्रिसमस पार्टी पे मैंने इनको लिया था। इसमें से ये यहाँ स्टड भी निकल गया है, यहाँ से भी निकल गया, बट आई लव दिस। मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी स्टड्स को कहीं ना कहीं से, और ये बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ। शायद मेरी अगर कोई एक पिक हो तो मैं आपको दिखा दूंगी इसकी, अगर पिक हुई तो। मेरे ब्यूटीफुल से रॉयल ब्लू जो है इयररिंग है, बहुत ही खूबसूरत इयररिंग है, वो आप देख सकते हैं। इस पर डिजाइनिंग कितनी अच्छी की हुई है, ये भी मैंने मॉल से लिए। नेक्स्ट इज माय मीशो इयररिंग कलेक्शन। ये इसका वीडियो मैंने प्रॉपर एक व्लॉग वीडियो जो है आपने मेरा देखा होगा, मैंने वीडियो बनाया था इन पे कि ये मैंने अराउंड 179 अराउंड जी या 120 अराउंड जो है मैंने इसको बाय किया था। अगर ये पिक में होगा तो मैं इसकी पिक जो है शेयर कर दूँ। माय ब्यूटीफुल ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स, ये भी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया। मेरी सिस्टर मुझे इयररिंग्स गिफ्ट करते रहते हैं कई बार, तो ये भी उन्होंने मुझे गिफ्ट किए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग्स हैं ये भी। ये भी जो है ये इनको भी 3 साल से ऊपर हो गए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें देखिए इसका कुछ भी नहीं गया, ये इतने ब्यूटीफुल है। अब मुझे पता नहीं उन्होंने मुझे, हाँ ये वो जयपुर से लेके आए थे, मुझे याद आया, या तो राजस्थान या तो जयपुर वो जाते रहते हैं, तो वो वहाँ से लेके आए थे मेरे लिए। ये मिरर वर्क हुआ पड़ा इस पे, देखिए कितना फाइन वर्क हुआ पड़ा, और ये ऑक्सीडाइज्ड है, और ये बिल्कुल भी ब्यूटीफुल ऑक्सीडाइज्ड सिंपल झुमकीज, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये वैसे मैंने ज्वेलरी जो है ज्वेलर से ली थी, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका ग्रीन कलर है लेकिन ये कैमरा में कुछ और ही ग्रीन लग रहा है, अगर आप देखें पास से तो ये कुछ इस तरीके, तो ये देखिए ब्यूटीफुल ज्वेलरी। ये जो इयररिंग्स हैं ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं। ये ना एक्चुअली मैंने कश्मीरी जो होते हैं ना कश्मीरी, उनको ऐसे जो है पहने हुए देखा था कि जब हम मैंने मेरे एक फ्रेंड थी, उनकी मॉम कुछ इस तरीके के इयररिंग्स जो हैं वो पहनते थे, उनके पास गोल्ड में थे, तो इस मैं इनको कश्मीरी डिज़ाइन इयररिंग्स बोलती हूँ क्योंकि ये जो है उससे इंस्पायर्ड हैं, उसे इयररिंग्स हैं। ये देखिए ये मेरा सिल्वर ज्वेलरी है, ये भी एक ऑक्सीडाइसी सिल्वर छोटी सी ज्वेलरी नहीं मिल जाते, मैं इनको जाने नहीं दूंगी। और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाइट वेटेड है, और ये बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में है। और अगर किसी को पता हो कि ये कहाँ से ऐसी ही सेम ज्वेलरी मिलती है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं बाय कर लूँगी वहाँ से। सो दीज आर माई साउथ इंडियन, और गले के सेट्स और हाथ के जो सेट्स वो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये कलेक्शन कैसी लगी। अभी मैंने बहुत कम कलेक्शन आपको दिखाई है क्योंकि जो टाइम लिमिट है वो ज़्यादा हो रहा था, 9 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो बहुत कम डालती हूँ। तो मेरी बाकी कलेक्शन जो है मैं आपको फिर कभी दिखा दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, बाय बाय।